The question is A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 4 is to 3 is to 2. B retires and is capital after making adjustments for reserves and gain or profit on revaluation stands at rupees 1,39,200. उसके B के retirement के time पे उसके बाकी सारे payment goodwill को छोड़कर बनता है 1,39,200 adjustments and revaluation profit मिला के उसको payment करने के लिए बन रहा है. A और B payment करेंगे, A और C payment करेंगे B को 1,39,200. A and C agreed to pay him 1,50,000 in full settlement of his claim. तो जो difference pay करेंगे 1,50,000 और 1,39,200 that is goodwill. Record necessary journal entry for adjustment of goodwill if the new partner's new profit sharing ratio is decided at 5:3. तो working note में पहले old new sacrifice gaining ratio निकाल लेंगे और ये जो goodwill का जो payment करना है ना वो direct B का share निकल जाएगा और rupees 1,50,000 minus 1,39,200. अभी old ratio पर A is to B is to C 4:3:2. न्यू रेशियो दे रखा है A is to C 5:3. A गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो दैट इज एस गेन 5/8 न्यू शेयर और ओल्ड शेयर है 4/9. एलसीएम होगा 72 न्यूमरेटर में आएगा 9/5 = 45 माइनस 8/4 = 32 दैट इज इक्वल टू 13/72. सीज गेन 3/5 3/8 माइनस 2/9 न्यू शेयर है 3/8 ओल्ड शेयर है 2/9 दैट इज इक्वल टू एलसीएम 72 न्यूमरेटर में आएगा 9/3 = 27 माइनस 8/2 = 16 दैट इज इक्वल टू 11/72 देन देयरफॉर गेनिंग रेशियो ऑफ ए इज टू सी इज इक्वल टू 13:11 ये गेनिंग शेयर है गेनिंग रेशियो ऑफ ए इज टू 13:11 अभी बी रिटायर हो रहा है उसका गुडविल का शेयर क्या है बी शेयर ऑफ गुडविल गुडविल को टोटल बी को टोटल पेमेंट ए और सी करेंगे रिटायरमेंट के टाइम पे 1,50,000 उससे उनका सारे एडजस्टमेंट्स और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का शेयर जो बी लेने वाला है वो होता है रुपीज 1,39,200 गुडविल को छोड़कर तो गुडविल के लिए बी को पेमेंट होगा 10,800 दिस इज द अमाउंट क्योंकि बी का ऑलरेडी शेयर है बी को फाइनली पे होगा गुडविल के लिए तो उसको ए कितने पे करेगा सी कितने पे करेगा ए पे करेगा 10,800 का ए विल ट्रांसफर फॉर गुडविल टू बी बी 10,800 का 13/24 दैट इज रुपीज 5,850 और सी विल ट्रांसफर फॉर गुडविल टू बी वही 10,800 का 11/24 दैट इज रुपीज 4,950 अभी हम लोग जर्नल एंट्री दे सकते हैं हमारा जो स्लोगन है दिस इज कंडीशन फॉर गुडविल ट्रीटमेंट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे रिमेनिंग टू रिटायरिंग करते हैं रिमेनिंग ए और सी डेबिट कर देंगे रिमेनिंग टू रिटायरिंग जो जा रहा है बी जा रहा है तो बट बेस्ट वर्ड होता है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अभी जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओ और एक ही जर्नल एंट्री होगा इसमें डेट है नहीं एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 5,850 बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 4,950 सी कैपिटल ए सी टू बी 4,950 टू बीस कैपिटल अकाउंट 10,800 नरेशन होगा बीइंग एडजस्टिंग जर्नल एंट्री पास्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट इन गेनिंग रेशियो ऑन रिटायरमेंट ऑफ बी डेबिट क्रेडिट दोनों साइड टोटल करके हमारा आ रहा है 10,800 रुपीज़